नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। नगर निगम में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियों पर चर्चा हुई। साथ ही टैक्स के बकायादारों से वसूली अभियान चलाने विचार विमर्श किया गया। नगर निगम आयुक्त स्वप्निल वानखड़े ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अभियान चलाकर टैक्स के बड़े बकायादारों से राजस्व की वसूली की जाए। साथ ही 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारी की जाए, ताकि टैक्स वसूली का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 2,800 ऐसे करदाता शहर में हैं जिन पर 50,000 रुपए से ज्यादा का टैक्स बकाया है। नेशनल लोक अदालत में यदि 100% वसूली हो पाई तो नगर निगम के खजाने में 80 करोड़ रुपए जमा हो सकते हैं। जो 9 दिसंबर शनिवार के दिन हमारे यहाँ लोक अदालत है, उसके संबंध में बैठक रखी गई थी ताकि अधिक से अधिक लोगों से छूट की राशि दिलाते हुए राशि जमा करवाई जा सके। इसके लिए हमारे द्वारा सबसे पहले एक प्लान बनाया गया है कि जो 50,000 से ऊपर के लोग हैं, जिनकी संख्या 2,800 है शहर में, उनसे करीब हमको 80 करोड़ रुपए लेना है। उन पे सबसे पहले फोकस करेंगे और हमारे पास 73,000 ऐसे लोग हैं जो 2,000 से लेके उनके ऊपर बकाया राशि है, जिनको लोक अदालत में अच्छी खासी अधिवार में छूट मिलती है। उन दो चीज़ पे फोकस करेंगे और हमारे सभी नगर निगम के जितने भी संभागीय कार्यालय हैं और मुख्यालय के लोग हैं, इन लोगों को लगातार कॉल करेंगे और इनके घर जाके नोटिस वितरण की कार्रवाई की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग लोक अदालत का लाभ लेकर के राशि जमा करें। बैठक में सभी जोन अधिकारी और राजस्व निरीक्षक उपस्थित रहे। भवरताल कल्चरल स्ट्रीट के पास स्थित एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की ऊपरी मंजिल में स्थित एक ऑफिस के बिजली केबल में भीषण आग लग गई। आग की लपटों से लोग दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल दमकल विभाग, बिजली विभाग और पुलिस को सूचना दी। जानकारी लगते ही दमकल विभाग और विद्युत विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और आग को काबू में किया जा सका। भंवरताल कल्चरल स्ट्रीट के सामने स्थित कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स आहूजा टावर की ऊपरी मंजिल में स्थित एक ऑफिस के बिजली केबल और मीटर बोर्ड में भीषण आग लग गई। इस घटना से हड़कंप मच गया। आग की लपटों से लोग दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल घटना की जानकारी दमकल विभाग, बिजली विभाग और पुलिस को दी, जिसके बाद दमकल कर्मी दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंचे और बिजली विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। बिजली विभाग ने इलाके की बिजली सप्लाई बंद की, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि कॉम्प्लेक्स के जिस हिस्से में ये हादसा हुआ, वहां ऑफिस खाली पड़ा था। जैसे ही मौके स्थल पर देखा तो लाइट के कारण काम करने में प्रॉब्लम जा रही थी। जैसे एमपीवी आई, हाई टेंशन लाइन थी, हाई टेंशन लाइन को बंद कराया। ऊपर बाहर की ओर जो वायर जल रही थी, पहले उन्होंने उसको मॉनिटर से कवर किया। मॉनिटर से कवर करने के बाद हमारे फायर फाइटर ने होस पाइप के सहारे अंदर की आग को कंट्रोल किया और अब आग नियंत्रण पर है। सूचना मिली थी, हमारे आरक्षक पेट्रोलिंग पे थे तो उन्होंने देखा कि आहूजा टावर है, साइड से आग की लपटें जल रही थी। तत्काल में फायर ब्रिगेड और एमपीबी को सूचना दी गई, मौके पर पहुंची, पुलिस भी पहुंच गई और एमपीबी और के माध्यम से लाइट बंद कराई गई है और फिर फायर ब्रिगेड ने अपना पानी वानी डाल के उसको शांत किया है। और आहूजा टायर है कि किसी फाइनेंस कंपनी का ऑफिस है, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया किसका है। आग के काबू में आ जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भेड़ाघाट बैन गंगा पुल के पास हरे कृष्ण आश्रम से निकाली जाने वाली मां नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा यात्रा के आयोजन को लेकर कलेक्टर कार्यालय में आयोजन समिति और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पंचकोशी परिक्रमा यात्रा के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में यात्रा के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने आयोजन समिति को अवगत कराया और यात्रा में श्रद्धालुओं की उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए की जाने वाली व्यवस्थाओं पर चर्चा की। हर बिंदु पे नाव में कितनी सवारी बैठेंगी और कोई नाव टूटी तो नहीं है, एक छोटे छोटे बिंदु पे तय किया गया। यात्रा व्यवस्था में कोई दिक्कत ना आए, मेट्रो बसों में कोई दिक्कत ना आए,
वहाँ भोजन व्यवस्था हम लोग की जो है 36 घंटा लगातार भंडारा चलेगा और गोमती चक्र का बद्रीनाथ धाम के पूजित गोमती चक्र का वितरण किया जाएगा। जिन माताओं बहनों की शादी उपरांत मातृत्व की प्राप्ति नहीं हुई है तो किन्नर समुदाय जो हमारा किन्नर अखाड़ा है वो आएगा, वो उनकी ओली भर के उनको आशीर्वाद प्रदान करेंगे और बर्फानी बाबा जो हमारे बद्रीनाथ धाम में 12 साल तपस्या किए वो आने वाले हैं। ऐसे कई देश के विभिन्न संत आने वाले हैं जो सालों से हिमालय में तपस्या करते, वो सबके दर्शन इस नर्मदा पंचकोसी परिक्रमा में होंगे। 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा यात्रा का आयोजन होगा। अपने दमदार अभिनय के लिए प्रसिद्ध अभिनेता प्रेमनाथ की जयंती के उपलक्ष्य में PSM कॉलेज ऑडिटोरियम में एक स्मृति कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान प्रेमनाथ की फिल्मों के पोस्टर की प्रदर्शनी और डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से फिल्म अभिनेता प्रेमनाथ को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मशहूर फिल्म अभिनेता स्वर्गीय प्रेमनाथ की जयंती के उपलक्ष्य में PSM ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रेमनाथ को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी फिल्मों पर आधारित पोस्टर प्रदर्शनी और डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य फिल्म अभिनेता प्रेमनाथ जी के अभिनय से शहर की जनता और युवा कलाकारों का परिचय कराना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। हमारे शहर में अधिकांश लोग उनकी कलर्ड फिल्मों से, उनकी सेकंड या थर्ड इनिंग कह लीजिए, लोग परिचित हैं, जैसे जानी मेरा नाम, सन्यासी, चट्टान सिंह, धर्मात्मा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि प्रेमनाथ जी एज हीरो, उन्होंने कोई एक दो फिल्में नहीं की, बहुत सारी फिल्में की हैं और बहुत अच्छी फिल्में हैं जो आज के ज़माने के नए लोग नहीं जानते हैं। तो शहर के गौरव जो हैं, हम चाहते हैं हमारे शहर के गौरव प्रेमनाथ जी को अधिकांश लोग जानें और उनकी यादों को, उनकी धरोहर को सुरक्षित रखें। ये प्रेमनाथ जी एक बहुत फेमस, बहुत ही ऐसे एक जो कलाकारों में इनकी गिनती होती है कि हमारे समझ से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि प्रेमनाथ जी के विषय में न जानता हो। उनका संबंध जबलपुर से काफ़ी नज़दीकी संबंध रहा है। इसी के चलते जो फिल्म जगत के प्रेमी लोग हैं, जो फिल्म से में रुझान रखते हैं, वो उनका कई वर्षों से इनकी पुण्यतिथि पर ये जो है आयोजन करते हैं। इस स्मृति कार्यक्रम का आयोजन फिल्मोत्थान संस्था के सहयोग से किया गया। गोल बाजार जैन मंदिर में इन दिनों सिद्ध चक्र विधान का आयोजन चल रहा है जो 28 नवंबर तक जारी रहेगा। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। जैन पुराणों के मुताबिक सिद्ध चक्र विधान मंडल ऐसा अनुष्ठान है जो हमारे जीवन के समस्त पाप ताप और संताप को नष्ट कर देता है। गोल बाजार स्थित जैन मंदिर में इन दिनों सिद्ध चक्र विधान मंडल का आयोजन हो रहा है और मुनिगण सिद्ध चक्र विधान मंडल का महत्व श्रद्धालुओं को बता रहे हैं। जैन धर्म के विद्वानों के मुताबिक सिद्ध चक्र विधान मंडल ऐसा अनुष्ठान है जो हमारे जीवन के समस्त पाप ताप और संताप को नष्ट कर देता है। सिद्ध शब्द का अर्थ कृत्य, चक्र का अर्थ है समूह और मंडल का अर्थ एक प्रकार के वृत्ताकार यंत्र से है। इनमें अनेक प्रकार के मंत्र और बीजाक्षरों की स्थापना की जाती है। पुराणों के अनुसार सत्य कर्म करने से अच्छी भोग सामग्री प्राप्त होती है और दुष्कर्म करने से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। धर्म मार्ग पर चलने से जीवन में सरलता और वैभव भी प्राप्त होता है। ओम प्रीम नमो अभेदाय नमो नमः।
घमापुर से रांची की तरफ आ रही ब्लैक कलर की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने रांची थाने के ठीक सामने स्टॉपर में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कॉर्पियो सवार युवक मामूली रूप से घायल भी हुए। दरअसल तेज रफ्तार स्कॉर्पियो को रोकने के लिए पुलिस ने रांची थाने के ठीक सामने स्टॉपर रखकर नाकाबंदी की थी, लेकिन कार चालक ने स्टॉपर को ही टक्कर मार दी, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। रांची थाने के ठीक सामने स्कॉर्पियो चला रहे चालक ने पुलिस की घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया और स्कॉर्पियो स्टॉपर से जा टकराई। इस हादसे में स्कॉर्पियो सवारों को मामूली चोटें भी पहुंची। पुलिस ने स्कॉर्पियो के चालक सहित उसमें सवार युवकों को गाड़ी से उतारा और चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर गाड़ी जब्त की। गाड़ी पर ब्लैक फिल्म के साथ ही पुलिस भी लिखा था। रांची थाना प्रभारी नितेश दोहरे ने बताया कि बीती रात कंट्रोल रूम से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के रांची की ओर आने की सूचना मिली थी, तभी पुलिस ने थाने के सामने स्टॉपर लगाकर घेराबंदी कर दी, लेकिन ड्राइवर स्वराज सिंह सेंगर ने गाड़ी रोकने की बजाय स्टॉपर से टकरा दी, जिससे गाड़ी का एक चक्का भी निकल गया। थाने के सामने चेकिंग लगाई गई, ड्राइवर ने थाने में जो स्टॉपर था स्टॉपर में टक्कर मार दी थी, जिसमें विधिवत रूप से कार्रवाई की गई। ड्राइवर का नाम स्वराज सिंह सेंगर है, जो खमापुर क्षेत्र का रहने वाला है, जिससे विधिवत रूप से कार्रवाई करके पेट्रोल पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है। गाड़ी स्वराज की ही गाड़ी है, जिनमें दो तीन लोग लड़के और बैठे हुए थे, जिनकी तस्दीक करने के उपरांत इनको छोड़ा गया। बताया जाता है कि स्कॉर्पियो चला रहे चालक स्वराज सिंह सेंगर के पिता जीआरपी में पदस्थ हैं और गाड़ी स्वराज सिंह सेंगर के नाम पर है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र छुई खदान में पत्नी की हत्या करने के बाद मौके से फरार हुए आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। आरोपी ने रविवार की शाम चरित्र संदेह के कारण अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। पत्नी की हत्या करने के बाद मौके से फरार हुए ऑटो चालक शारदा ठाकुर को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी छुई खदान से की गई। पेशे से ऑटो चालक शारदा ठाकुर ने रविवार की शाम अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह कर था और इसी बात को लेकर दोनों में मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद शारदा ठाकुर ने अपनी पत्नी अंगूरी बाई के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पति द्वारा पत्नी की हत्या कर दी गई थी, जिस पर से थाना सिविल लाइन पे 302 IPC के तहत मामला कायम किया गया था। आरोपी पति शारदा ठाकुर की कल गिरफ्तारी कर ली गई थी, शाम 17 बजे गिरफ्तारी की गई है और आज उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। चरित्र संदेह के कारण ये हत्या की गई थी। जो मृतक पत्नी है उसका नाम अंगूरी बाई था, जिसका PM करा के बॉडी परिजनों से सुपुर्द कर दी गई है और प्रकरण में भी विवेचना जारी है। पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिले में जुए और सट्टे के विरुद्ध पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना कटनी और चरगवा में क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस की टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में जुए के फलों पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 15 से ज्यादा जुआरियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नकदी मोबाइल जब्त किए गए। जिले में जुआरियों और सटोरियों के विरुद्ध पुलिस की प्रभावी कार्यवाही जारी है। सिकड़ी में कटंगी और चरगवा दो थाना क्षेत्रों में क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस की टीमों ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए जुए के अड्डों पर छापे मारे। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने पंचमपुरा में नए बाजार के पास खुले मैदान में जुए की फड़ पर छापा मारा। वहीं चरगवा पुलिस ने ग्राम धर्मपुरा में दो अलग अलग इलाकों में जुए के फड़ों पर दबिश दी। पुलिस ने कार्यवाही के दौरान एक दर्जन से ज्यादा जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनसे 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नकदी और 7 मोबाइल फोन जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया है। लगातार जुए के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, तो थाना कटंगी प्रभारी को और क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी, तो थाना कटंगी बाजार में इनने करीब 10 जुआरियों को पकड़ा, जिसके पास से 1,47,000 रुपये जब्त हुए और ताश और अन्य सामग्री जब्त हुई। ठीक इस प्रकार चरगवा में धर्मपुरा गांव में घुघरा रोड पर 5 जुआरियों को पकड़ा गया, जिनके पास से 10,000 रुपये जब्त हुए। कुल 1,56,000 की ये जब्ती कार्रवाई हुई है और लगातार ये कार्रवाई जारी रही।
रद्दी चौकी के पास देर शाम एक फर्नीचर शोरूम में भीषण आग लग गई। इस अग्नि हादसे से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंच गए। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया। हालांकि इस अग्नि हादसे में फर्नीचर दुकान का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। रद्दी चौकी के पास मंगलवार की देर शाम अंबे फर्नीचर के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने की इस घटना से अफरा तफरी मच गई। शोरूम आग की लपटों से घिर गया। क्षेत्रीय लोगों ने तत्काल घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल कर्मी दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंच गए और आग को काबू में करने के प्रयास शुरू कर दिए। हालांकि आग के काबू में आने से पहले ही शोरूम में रखा फर्नीचर आग की भेंट चढ़कर खाक हो गया। चौकी स्थित अंबे फर्नीचर में आग लगने की सूचना नगर निगम दमकल विभाग को मिली। तत्काल मौका स्थल पर हमने 2 से 3 गाड़ियां रवाना करी, क्योंकि फर्नीचर का मामला है, यहां पर आग अचानक बढ़ जाती है। एक बार हम खंडेलवाल में खामियाजा भुगत चुके हैं, वहां पर काफ़ी बड़ी आग लगी हुई थी, इसलिए हमने रद्दी चौकी में तत्काल 3 गाड़ियां रवाना करी और मौके पर पहुंच कर आग को कंट्रोल किया। अभी हम लोग को पता चला आग लग गई शॉर्ट सर्किट, बोर्ड में बोर्ड जल रहा था तो शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। 3 लाख रुपये का माल तो रखा रहा अंदर, सोफे थे, लग्जरी सोफे थे, ड्रेसिंग टेबल थी, अलमारी थी। आग किन कारणों से लगी, इसे लेकर क्षेत्र में अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन शॉर्ट सर्किट को आग लगने का मुख्य कारण माना जा रहा है। खास बात यह है कि दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पाया, नहीं तो आसपास की दुकानों में भी आग फैलने का खतरा था। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।